परिश्रम एवं कर्म में वृद्धि, लाभ एवं खर्च की स्थिति। जिसके पास संकल्प है वह व्यक्ति कभी भी हार नहीं सकता है। अत्यंत परिश्रमी लोगों के राशि के रूप में वृषभ राशि की विशेष पहचान है। बैल आपकी राशि का प्रतीक है, जो परिश्रमी पशु के रूप में जाना जाता है, जिस कारण लगातार परिश्रम करना और सफल होना, यह आपकी राशि का स्थायी भाव है, ऐसा हम कह सकते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव परिश्रम के स्थान में विराजमान है, जिस कारण आप इस महीने बड़ा परिश्रम करने वाले हो। जो आपका मूल स्वभाव भी है, महत्वपूर्ण बात है कि उस परिश्रम से आपको सफलता भी मिलेगी। वृषभ राशि के जातक परिश्रम प्रसन्नता से, उत्साह से करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। वही आपका स्वभाव इस महीने वृद्धिंगत होने वाला है, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश हैं। बुधदेव 1 अक्टूबर को ही कन्या राशि में अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। वहाँ रवि और मंगल देव, यह 2 ग्रह पहले से ही उपस्थित होंगे। इस ग्रह स्थिति का विचार करें तो धन में वृद्धि होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होना जैसे सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे, इसीलिए आपने इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि आपके राशि स्वामी शुक्रदेव परिश्रम स्थान में विराजमान है। राशि स्वामी स्वयं जब परिश्रम के स्थान में होता है तब जातक बड़ा परिश्रम करता है। वैसे भी परिश्रम करना आपका स्थायी भाव है। वहाँ एक और विशेष बात होती है कि परिश्रम के स्थान से राशि स्वामी की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है, अर्थात वह स्वयं परिश्रम करता है और भाग्य भी उसे सहयोग देता है, जिस कारण सफलता का स्तर बढ़ता है। इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। रविदेव इस महीने आपके पंचम स्थान में विराजमान है, अर्थात केंद्र स्थान के स्वामी त्रिकोण स्थान में विराजमान है, जिस कारण वहाँ केंद्र त्रिकोण योग निर्माण हुआ है, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। नवंबर महीने में दीपावली है और उससे पहले यदि आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बना हो तो वह आपके लिए दीर्घकाल तक लाभकारी रहेगा। वास्तु या वाहन की आपने कोई योजना बनाई हो तो उसमें भी सफलता के अवसर बढ़ेंगे, घर में सुख शांति बनी रहेगी। कुल मिलाकर कई दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो प्रेम विवाह इच्छुक जातकों के लिए यह काल अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। प्रेम विवाह के संदर्भ में आप घर वालों से बात कर सकते हैं, उनके आपको अनुमति प्राप्त हो सकती है। विवाह के बाद भी सांसारिक जीवन में सौख्य प्राप्त होगा। वृषभ राशि की दृष्टि से इस स्थिति को हम अत्यंत सकारात्मक कह सकते हैं। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें
तो मैकेनिकल और टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ, अकाउंट और सीए क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी शुभ और फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए अधिक परिश्रम का यह महीना है। संतति की दृष्टि से विचार करें तो संतति के कर्तृत्व से आपको बड़ा समाधान मिलेगा, उन पर अभिमान कर सकते हैं, इसीलिए उनको आपने प्रोत्साहन देना चाहिए। आप सभी के लिए खुशखबरी, अब हम आपके लिए निशुल्क ज्योतिष मार्गदर्शन लेकर आए हैं। हर रविवार शाम 4 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगी और आपके सवालों का जवाब दूँगी। इसीलिए यदि आप निशुल्क मार्गदर्शन चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखिए। चलिए उठिए और कमेंट बॉक्स में जानकारी लिखिए। इस कार्य को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में लाइव जुड़े। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो व्यावसायिक वृषभ जातकों के लिए यह काल 100% सफलता का, तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए 100% परिश्रम का यह काल है। परिश्रम आपको करने ही पड़ेंगे, परिश्रम से आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यावसायिक जातक भी व्यवसाय वृद्धि के लिए नई संकल्पना एवं योजनाओं पर काम करेंगे, वे आपके लिए दीर्घकालीन लाभकारी रहेगी। वास्तव में आपने इससे पहले व्यवसाय में बड़ा निवेश किया है, उस निवेश से अब आपको लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय, इन दोनों मोर्चों पर आपको इस महीने अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, उनका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। विदेश में स्थित वृषभ जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए भी इस काल में शुभ अवसर निर्माण होने वाले हैं। विदेश में आपकी उन्नति होगी, आपका व्यवसाय विदेश से संबंधित हो, आपकी नौकरी ऐसी कंपनी में हो जो विदेश से संबंधित है, विदेश में आप पढ़ाई के लिए गए हो तो वहाँ आपको अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए आपने इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उनमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य शनि देव द्वारा शश राजयोग का निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक बड़ा राजयोग माना जाता है, जिस कारण हम उसे अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। विशेष बात है कि शनि देव की दृष्टि आपके व्यय स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर और सप्तम स्थान पर है। केंद्र त्रिकोण का संबंध वहाँ बना है, जो आपके लिए राजयोग कारक है। ऐसे कई शुभ संकेतों से आपकी कुंडली परिपूर्ण है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा बड़ा शुभ संकेत है कि 1 अक्टूबर को ही आपके पंचमेश बुधदेव पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे, उसे भी हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं और उससे भी आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे कर्मेश है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके कर्म स्थान में ही विराजमान है, जिस कारण आप अत्यंत कर्म प्रधान रहेंगे, कर्म से लाभ प्राप्ति के स्वप्न देखेंगे। जो व्यक्ति कर्म करता है उसे लाभ अवश्य प्राप्त होता है, इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए लाभेश गुरुदेव होते हैं, जो आपके व्यय स्थान में विराजमान हैं, जिस कारण आपको विभिन्न पद्धतियों से लाभ प्राप्त होगा और साथ ही कुछ खर्च भी निर्माण होंगे। खर्च अर्थात वह हमारी जिम्मेदारी होती है, जिसे पूरा करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस महीने विशेष रूप से पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए आपका खर्च हो सकता है। यात्रा पर भी आपका बड़ा खर्च होने की संभावना है, इसीलिए वह मानसिकता आप पहले से ही बना ले, यह सलाह आपको दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप
हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 3, 13 और 23 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 1, 11 और 21 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अक्टूबर महीने के उपायों का विचार करें तो कुछ मंत्र लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। अर्थात नवंबर महीने में दीपावली का उत्सव है। उस उत्सव का आनंद सभी को होता है और एक सुप्त इच्छा भी होती है कि इस काल में हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो। जब आप दीपावली के समय लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसके परिणाम अवश्य मिलते हैं, लेकिन उन मंत्रों का जाप यदि 1 महीने पहले से किया जाए तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ता है। उस अनुसार हर राशि के लिए मैं एक मंत्र देने वाली हूँ। 1 अक्टूबर से दीपावली तक उस मंत्र का जाप आपने कम से कम 5 बार करना है। उस अनुसार वृषभ जातकों के लिए ओम विष्णु प्रियाय नमः यह मंत्र सूचित किया जाता है। इससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।